हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक पैनल के अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज करते हैं और उनका काम क्या होता है पैनल के अंदर में। ये एक छोटा सा पैनल है, इसके अंदर हमने एक ओमरॉन की पीएलसी यूज करी हुई है। इस ओमरॉन की पीएलसी के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, इसके इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, तो आपको वो वीडियो भी देख लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसके इनके कनेक्शन करते हैं। इनका मैं आपको एक वर्किंग बता दूंगा और बता दूंगा कि कनेक्शन कहां से कहां हो रखे हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके सभी के आपके नाम बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो इन सभी जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इनके नाम क्या है। ये हमारा सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है, इसमें REM लिखा हुआ है। ये तीनों के तीनों जो हमारे डिवाइसेस हैं इनको हम MPCV बोलते हैं, ठीक है। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है ये हमारे MPCV। उसके बाद ये सिंगल सिंगल पोल की 2 MCV लगा रखी है हमने, ठीक है। एक से हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एक से मतलब जो कंट्रोलिंग जो है हमारी उसको कंट्रोल कर रहे हैं। एक से हमारी जो हम मशीन की जो लाइट होगी उसके लिए हमने अलग से लगा रखी है, और एक डबल पोल की MCV लगा रखी है हमने, जिससे कि हम इस 24 वोल्ट जो हम ये जो हमारा पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से जो 24 वोल्ट निकलेगा उसको हम कंट्रोल करेंगे। ये हमारी ओमरॉन की PLC है। इसके ऊपर मैंने कनेक्शन किस तरीके से होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई रखा है, ठीक है। ये हमारी 2 रिले और रिले बेस है, यहाँ पे हमने अलग से 2 रिले लगा रखी है, और ये हमारा पावर सप्लाई है। इसको हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे तो ये 24 वोल्ट आउटपुट, 24 वोल्ट DC हमको आउटपुट निकाल के देगा। और SMPS लगाने की मेन जरूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो PLC है हमारी, ये 24 वोल्ट पे ही ऑपरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ भी है कि ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 कॉन्टैक्टर है, ठीक है, जो कि जिनसे कि हम अपने मोटर को चलाएंगे। ये हमारा रिले बोर्ड है। इस रिले बोर्ड को लगाने का मेन मकसद रहता है ताकि हम जो ये PLC की जो आउटपुट मॉड्यूल है इसमें जो NONC और कॉमन जो रहते हैं इनके टर्मिनल्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इनके टर्मिनल्स में फॉल्ट की कंडीशन में कोई भी इनके कॉन्टैक्ट्स डैमेज ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे रिले को यूज़ करते हैं ताकि अगर कुछ भी यहाँ पे इंटरनल कोई फॉल्ट रहता है या फिर कोई कॉन्टैक्टर में कोई फॉल्ट हो जाता है तो उससे क्या होगा कि हमारी रिले खराब हो जाएगी, ठीक है। रिले खराब हो जाएगी तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम रिले को यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट हम PLC से कॉन्टैक्टर को ऑन करवाते हैं तो हो तो जाएगा, लेकिन उस केस में क्या होगा कि अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसमें हमारा जो आउटपुट मॉड्यूल के जो टर्मिनल्स जो रहते हैं, जो इसके अंदर के जो NONC के जो टर्मिनल्स रहते हैं, अगर वो खराब हो गए तो हमारी पूरी पूरी PLC खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, तो हमारा क्या रहेगा कि भाई यहाँ पे सिर्फ हमारी एक रिले बोर्ड खराब होगा, 1000-1200 रुपये का आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे PLC खराब हो गई तो PLC लगभग 7000-8000 रुपये की आती है, एक नॉर्मल सी PLC, ठीक है। तो इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे रिले बोर्ड को यूज करते हैं। तो अगर हम इसको कनेक्शन अगर इसके समझना है हमको, तो कनेक्शन समझने के लिए हम क्या देखिए यहाँ पे हमने क्या काम कर रखा है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे RYB यहाँ पे इनपुट लिया हुआ है, जो कि इस पैनल के अंदर इनपुट आएगा, और उस इनपुट को हमने इन सभी MPCV के साथ में इंटरलॉक किया हुआ है, ठीक है। यानी कि RYB इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे हमारी सप्लाई आएगी तो सप्लाई आती है हमारी इन तीनों में भी सप्लाई आ जाएगी। साथ में हमने कंट्रोल को यहाँ पे भी सप्लाई दे दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम किया, एक लाइट के लिए यहाँ पे भी एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दी। तो न्यूट्रल और एक वायर तो हमारी लाइट के लिए चलेगी। इस MCV को अगर हम ऑन करेंगे तो मशीन की लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे कंट्रोल है, इसकी जो वायर है वो हमने क्या काम किया, वो हमने दिया सीधा SMPS पे। यानी कि इस कंट्रोल को अगर मैं ऑन करूँगा तो मेरा SMPS पे पावर चली जाएगी, और SMPS पे पावर जाते ही यहाँ पे जो 24 वोल्ट निकलेगा उसको मैंने क्या काम किया, इस MCV को दे दिया, ठीक है। इस MCV के इनपुट को दे दिया। तो इनपुट को देने के बाद यहाँ से जैसे मैं इस MCV को ऑन करूंगा तो यहाँ से 24 वोल्ट आउटपुट निकल जाएगा। तो इस 24 वोल्ट आउटपुट को हमने क्या काम किया, इस PLC के प्लस और माइनस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। यानी कि जैसे मैं इस MCV को ऑन करूंगा तो मेरी PLC ऑन हो जाएगी। तो PLC ऑन हो गई। उसके बाद इसके कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पे इसके कनेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिए थे कि किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। उसके बाद जो भी इसके इनपुट मॉड्यूल में जितने भी हम मतलब कि इसमें इनपुट सिग्नल्स जो देंगे उनकी वायर्स सारी की सारी यहाँ पे कनेक्ट कर दी हमने, क्योंकि जो NO पुश बटन या फिर कोई हमारा लिमिट स्विच है, कोई हमारा सेंसर है, तो उसकी जो
मतलब कि आउटपुट जो आएंगी, उनकी जो आउटपुट आएगी वो हमारी सारी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और वो हमारी पीएलसी की इनपुट मॉड्यूल की इनपुट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं पीएलसी के आउटपुट की, तो पीएलसी की आउटपुट हमारी सीधी सीधी यहाँ पे आ रही है, रिले बोर्ड में आ रही है, ठीक है। इससे हम अपनी रिले को ऑन करवा रहे हैं और रिले को ऑन करवाने के बाद जो रिले की जो आउटपुट है, इनकी रिले में जो हमने कॉमन को सप्लाई मतलब 220 वोल्ट कॉमन पे दिया रिले का, और इसके एनओ से हमने आउटपुट लिया और उससे हमने इन कॉन्टैक्टर्स को ऑन करवाया, एक कॉन्टैक्टर को ऑन करवाया, दो पीएलए रिले ऑन करवा रखी है और ये दो रिले यहाँ की ऑन करवा रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन किए हुए हैं। अभी हमने क्या काम किया है यहाँ पे हमने इन दो कॉन्टैक्टर्स से एक मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चला रहे हैं, यानी कि C1 और C2 से हम अपने किसी एक मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चला रहे हैं। फॉरवर्ड अगर ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो हमारी मोटर फॉरवर्ड चलेगी, और C2 अगर ऑन होता है तो हमारी मोटर रिवर्स चलेगी। इसी तरीके से एक दूसरी मोटर और है जो कि हमारा मान के चलिए यहाँ पे ये रिमर है, ठीक है, एंड ये हमारा टेप है। उसके बाद अगर एक अगर ये वाला कॉन्टैक्टर अगर हमारा ऑन होता है तो यहाँ पे हमारा कूलेंट चालू हो जाएगा मशीन में, जो भी हमारा कूलेंट के लिए हमने जो मोटर लगा रखी है वो हमारा कूलेंट मोटर ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम कोई और जो हमारा अदर जो लोड रहेगा उसको ऑन करवाने के लिए, जो मतलब कि ज़्यादा हैवी लोड नहीं है, उसके लिए हमने ये दो पीएलए रिले लगा रखी है, ठीक है। तो क्या रहेगा कि ये पीएलसी हमारा इन रिले को ऑन करेगी और ये रिले का काम रहेगा इन कॉन्टैक्टर्स को और इन पीएलए रिले को ऑन करवाना। ये जो पैनल जो है ये एक एसपीएम मशीन का है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं पैनल्स का वर्किंग और इनके कनेक्शन के बारे में आपको समझाऊं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही मतलब अलग अलग पैनल्स के बारे में, अलग अलग पैनल्स की हार्ड वायरिंग किस तरीके से होती है, कहाँ से वायर कहाँ पे कनेक्ट होती है, किस तरीके से क्या रहता है, अगर आप इस टाइप की वीडियो चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बना करके दे दिया करूँगा आपको, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।